आदिशा जी, जी सलाम। मोमिन है? हेलो, मोमिना है आप या इस्लाम छोड़ दिया आपने? जी, मैं जो हूँ, क्या कहते हैं, मैं नहीं, मैं एक्स मुस्लिम हूँ, और मैं अभी इस वक्त ओके. मैं ओरिजिनली पाकिस्तान से हूँ, पर अभी मैं जर्मनी में हूँ। तो मैंने ओके. घर इस्लाम को भी छोड़ का दिया एड्रेस भी दे दें. और मैंने पाकिस्तान भी छोड़ दिया। ओके, बहन आपका इतने लोग कैमरा जो नहीं चालू देते। है, कैमरा जी, चालू है आपका, तो वो बंद कर लीजिए आप. क्या कैमरे के साथ बंद कर आना दूँ? चाहती है? नहीं, हाँ, कोई मसला नहीं है सेफ. मुझे। आर मैं यू वैसे किसी के श्योर? साथ कनेक्टेड हूँ नहीं, फैमिली वगैरह के साथ तो मैंने काफी पब्लिक किया हुआ है। मेरा अपना जो फेसबुक का अकाउंट है वो भी पब्लिक है, उसमें मैं काफी पोस्ट डालती रहती हूँ। फेस इस्लाम फेस के को साथ बहुत डालती मैं, आप? जी, फेस के साथ अभी तो मैंने वीडियोस डालनी शुरू की हैं। अभी मैंने कल भी डाली एक ओके. वीडियो, सो तो आर वो यू मैंने, ओके अगर अभी हम आपका यहाँ पे कैमरे के साथ दिखाएं तो? आर यू ओके विद दैट? यस यस यस, आई एम एब्सोल्युटली ओके। मैं पहले भी ओके. आ चुकी हूँ। एक और हैं, आपको शायद पता होगा, एथियस्ट हैं, मदीहा सैयद, उनकी भी मैं लाइव स्ट्रीम पे जी आ चुकी हूँ, और आपको भी मैं काफी सुनती थी ना, तो मुझे बड़ी ख्वाहिश ओके. थी कि मैं आऊँ। पाकिस्तान में तो खैर चैनल ही बैन हुआ हुआ था, आपका भी, हारिस सुल्तान और बाकी जितने भी एक्स मुस्लिम्स हैं, तो यहाँ पर ये कि ऑब्वियसली बैन नहीं है, तो मुझे मौका मिला, फिर मैंने कहा कि चलो क्यों ना ज्वाइन करूँ। तो ये है, खैर मैं भी, मैं चाहती हूँ बहुत ज्यादा, मतलब कि मैं इस मूवमेंट का हिस्सा बनूं, और क्योंकि मेरी खुद की भी थिंकिंग ऐसी थी, लाइक आपको डाउट्स जो है ना वो बहुत शुरू से ही हो जाते हैं इस चीज पे, क्योंकि मैं खुद की बचपन जो है ना मेरा, मतलब मेरा जो हाउस होल्ड था वो काफी, मतलब पेट्रियार्कल किस्म का था, तो बहुत हमने देखा डोमेस्टिक वायलेंस, पॉलीगैमी विद इन फैमिली, ये सारी चीजें, तो उस चीज को मैं लेके काफी डिस्टर्ब रही। एक जो चीज थी ना कि औरतों का जो, मतलब स्टेटस है इस्लाम में, उसको लेके जो है ना मैं हमेशा डाउट में ही होती थी। कभी भी, मतलब मुझे एक कन्विंसिंग आंसर नहीं मिला, कभी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, और उस वक्त भी मेरा जहन इतना मजबूत नहीं होता था। कभी कभी ये हो जाता है कि भाई आपको बड़ा डराया जाता है, समझाया जाता है कि नहीं तुम ये बात फॉलो करके तो देखो सब ठीक हो जाएगा। बीच में थोड़ा मैंने हिजाब भी करना शुरू किया, लेकिन कभी उस चीज से ना मुझे कुछ, मतलब ये समझ नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ा कि भाई क्यों, मतलब ये चीज है, कोई कन्विंसिंग आंसर नहीं मिला। देन ग्रेजुअली ये हुआ कि 2019 में मैंने थोड़ा एथिज्म को पढ़ना स्टार्ट किया, फिर कुछ पर्सनल लाइफ की चीजें मेरी ऐसी हुई, लाइक मेरी, मुझे बीच में एक मेरा निकाह हुआ एक बंदे से, तो वो भी, जी भाई, सैयद था और पक्का नमाजी था, लेकिन फिर जो, जाहिर सी बात है, उसके साथ जो मैंने टाइम खैर गुजारा, पर्सनली तो इतना नहीं गुजारा, लेकिन जो भी, मतलब उससे मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो सब मुझे यही पता चला कि भाई एक नंबर के जो है वो मुनाफिक है, ठीक है। और मतलब आप, मतलब मुझे ये समझ आई कि भाई कि जो, मतलब इस्लाम ने जो औरत को जो भी स्टेटस दिया है और जो हमारे लिए रूल्स बनाए हैं, वो कितना हमारे अगेंस्ट काम करते हैं। आप खुद से जाके तलाक नहीं ले सकते, आप किसी इंसान से जान छुड़ा नहीं सकते, ठीक है, आपको वो मारे पीटे, और पाकिस्तान में तो आपको पता है क्या है कि आप डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो, आप जाके कंप्लेन नहीं लिखा सकते, ठीक है। तो मतलब इस तरह की चीजें मुझे बर्दाश्त करनी पड़ी। फिर पता चला कि भाई वो एक और, उसकी बीवी भी थी, बीवी थी, तीन बच्चे थे, तो मतलब ये सारी चीजें, तो मैंने कहा यार ओके. ये तो आपने मैं उसे बताया फंस नहीं के रह गई था? हूँ उस चीज में, तो मैं आपको कैसे उसे जान बताया नहीं छोड़ूं। था? फिर उसने जो मेरे साथ एक और चीज की थी वो ये थी कि क्योंकि सारा अख्तियार हमारे यहाँ मर्द को दिया हुआ होता है ना, तो वो निकाह भी करके बैठ गया, फिर उसने रजिस्ट्रेशन कराई नहीं, काफी अरसा 6 महीने वो मुझे, मेरी मदर को ख्वार करता रहा। इन सारी चीजों से मैं गुजर रही थी और मीन वाइल मैं एथिज्म को स्टडी कर रही थी, तो मुझे खुद ब खुद मेरा इस चीज की तरफ माइंड मंथा गया, और एक गुस्सा तो पहले से था, एक बचपन से एक चीज को लेके जब आप अपनी मदर की लाइफ भी देखते हो, इर्द गिर्द की औरतें, तो गुस्सा तो आपके अंदर एक पैदा होता ही है। तो वो चीज जब मेरे अंदर बहुत ज्यादा पैदा हो गई, तो मैंने कहा यार इसके बारे में बोलना चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं है, और न जाने कितनी औरतें सफर कर रही हैं। और अच्छा, मेरे मेरी खुशकिस्मती, मैं कहूंगी कि मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मेरी फादर की डेथ हो चुकी थी, मतलब मैं मैट्रिक में थी तो ही पास्ड अवे, फिर मेरा कोई भाई नहीं था, तो एक तरह से मैं, मेरी मदर, हम लोग अकेले होते थे। इस चीज का हमें नुकसान भी बहुत था हमारे पाकिस्तान में, जहाँ पे इस्लामी, मतलब मजहब है, चीजें हैं, नुकसान भी था कि जाहिर सी बात है आपको एक कमजोर समझा जाता है, हर जगह आप जाओ, पुलिस स्टेशन जाओ, आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा, धोखा फ्रॉड तो हमारे साथ बहुत हुआ खैर पाकिस्तान में,
मतलब ये इसके नुकसान भी बहुत है, लेकिन इसका फायदा मुझे ये हुआ कि मेरे लिए जान छुड़ाना बहुत आसान था, इस मजहब से निकलना मेरे लिए बहुत आसान हो गया था, क्योंकि ये है कि मेरे ऊपर कोई जाहिर सी बात है इतना पहरा देने वाला था नहीं, रिश्तेदार थे, लेकिन जाहिर सी बात है जब आप खुद कमाने लगते हो, क्योंकि मैं भी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर थी तो मेरे लिए आसान हो गया जब मैंने खुद कमाना शुरू किया, तो मैंने कहा यार ये अब मेरे लिए आसान है बजाय इसके, क्योंकि मेरी मदर होता ही है ना हमारे यहाँ औरतों में कि वो एक सिस्टम में रहती है और बचपन से वही ट्रेनिंग के भाई इस्लाम तो कभी झूठा हो ही नहीं सकता, तो वो समझती है नहीं नहीं बस मेरे साथ जो हो गया वो तो अल्लाह का आजमाइश थी, ठीक है तो कुछ नहीं होता बेटा जो तुम्हारे साथ हो गया वो भी आजमाइश थी, अब तुम फिर शादी कर लो, फिर उन्होंने भाई जी मुसलमान के साथ मुझे बांधने की कोशिश की, मैंने कहा यार अब मैं अच्छा मौका है अभी इस चीज से जान छोड़ा लूं बजाय इसके कि मजीद अपनी जिंदगी के कुछ साल बर्बाद करूं, ठीक है क्योंकि जाहिर बात है मुझे पता है कि एक बार शादी हो जाए मुसलमान मर से फिर आपकी कोई जिंदगी नहीं है, आप अपनी लाइफ का कोई फैसला नहीं ले सकते, और स्पेशली अगर आप किसी इस्लामी मुल्क में हो आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो, आपकी वो जायदाद पे पैसों पे कब्जा करके बैठ जाए, कुछ भी कर ले आपको कोई पूछने वाला नहीं होने वाला, तो मैंने कहा यार इस चीज से तो मैं सीधा जान छुड़ाऊं, फिर मेरे साथ अच्छा ही हो गया कि कुछ मेरे पास पैसे बचे हुए थे और खुद मैं भी कमा भी रही थी तो मेरे लिए बड़ा आसान था, मैंने खैर यहाँ आ गई मैं जर्मनी, अब मैं अकेले आ गई हूँ, मेरा फैमिली से कोई ऐसा रिश्ता नहीं, मदर से मेरा रिश्ता होता रहता है, लेकिन मैंने इस चीज पे फिर पब्लिकली अब काम करना शुरू किया है, कल भी मैंने एक वीडियो डाली थी हिजाब के बारे में ना कि बड़ा हमारे यहाँ औरत मार्च बहुत शुरू हो गया, फेमिनिज्म पे बात हो रही है ना, तो भाई औरत मार्च शुरू हुई तो इन मुल्लाओं ने अपना शुरू कर दिया हया मार्च निकालना मुकाबले में, वैसे इनको कभी भी याद नहीं आता कि इनको प्रोटेस्ट करना है, रेप केसेस होते हैं बच्चों के, हर दूसरा बच्चा यहाँ मदरसे का रेप हो रहा है, इतनी वीडियोस आती हैं, इतने इनके करतूत निकल निकल के आते हैं, कभी प्रोटेस्ट नहीं हुआ, प्रोटेस्ट हो रहा है तो जी अब औरत मार्च भी हो रहा है कि औरत मार्च हो क्यों रही, तो खैर इन्होंने ये प्रोटेस्ट शुरू किया तो उसमें जी नया स्लोगन आ गया कि हिजाब इज अ वुमेन्स चॉइस, तो मैंने खैर उस पर बड़ा वीडियो बनाई है, मैं चाहूंगी भी मैं उसका लिंक शेयर करूं, और मैंने वो पब्लिक डाली है, फेसबुक पे भी डाली है, यूट्यूब पे भी डाली है, यूट्यूब पे तो खैर मैंने नया चैनल बनाया, तो हाँ उसमें मैंने यही डिस्कस किया, मैंने कहा भाई तुम लोग कहते हो भाई औरत की चॉइस है, औरत अगर इस्लाम कहता है औरत लेना चाहती है तो वो हिजाब ले, तो भाई जो तुम्हारे पास लौंडियां आती थी उनके तो तुम लोग जबरदस्ती हिजाब उतरवाते थे, उनको तो तुम लोग कपड़ा पहनने नहीं देते थे, मैंने उसमें सारा खैर डाल दिया, मैंने हजरत उमर का भी डाला, मैंने कहा यार हजरत उमर के मुतालिक तो पूरी पूरी सही हदीसें मौजूद है कि वो जी लौंडी आती थी तो वो अपना कपड़ा पहन कर आई, ठीक है तो हजरत उमर ने उससे पूछा कि भाई तुम क्या आजाद मुसलमान औरत हो, तो उस औरत ने कहा नहीं मैं आजाद मुसलमान औरत नहीं हूँ, जिसपे जी उसको उन्होंने फिर पकड़ा कोड़े मार मार के उनसे जो है वो कपड़ा उतरवाया कि भाई तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम जो है वो अपने बदन को ढांपो, ये तो सिर्फ आजाद मुसलमान औरतों के लिए, तो फिर मैंने कहा भाई तो फिर उस लौंडी की कोई चॉइस नहीं थी क्या, मतलब बात करते हैं कि भाई औरत की चॉइस है हिजाब तो चॉइस है, तो उस औरत की क्या कोई चॉइस नहीं थी, और अच्छा फिर ये हमारे यहाँ ना असल में होता ये कि लोगों को बताते नहीं है बातें, मेरा भी जो जहन खुलना शुरू हुआ ना ये बहुत अच्छी मूवमेंट चल रही है एक्स मुस्लिम मूवमेंट, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं साहिल, मैं समीर को भी सुनती हूँ, मैं सबको एडम सीकर सबको सुनती हूँ, मैंने शुरू में पहले गालिब कमाल हारिस सुल्तान सबको मैंने सुनना शुरू किया था, हमारे यहाँ मसला ये होता है कि इस्लाम की जो इस किस्म की बातें हैं ना उनको ये उस पर पर्दे डाल देते हैं उनको छुपा देते हैं, अब हमें क्या बताएंगे, हमें जी बताएंगे कि जो मुसलमान औरतों को मतलब हुआ था कि भाई आप अपने ऊपर पर्दा डाल लें ताकि आपकी पहचान हो आप सताई ना जाएं, ये तो मुशरकीन औरतों से बचाने के लिए, अब ये नहीं बताते कि वो मुशरकीन औरतें कौन थी, वो लौंडियां थी बेसिकली जिनको ये लोग खुद सताया करते थे, ठीक है जिनको खुद इन्होंने जबरदस्ती नंगा रखा हुआ होता था, उनकी बकायदा सेक्स स्लेव की जो मार्केट्स होती थी, ठीक है उनको बेचते थे खरीदो, ये बातें हमें कभी कोई नहीं समझाएगा, ये हमारे घर वालों, खैर मुझे तो लगता है हमारे घर वालों को भी नहीं पता होती सही से बातें, सही बात है बहुत से लोगों को नहीं पता होती, बिल्कुल बिल्कुल वो उसको इस तरह करके बताएंगे देखो ये तो हमारी पहचान है औरत की इज्जत है औरत इसमें बड़ी महफूज रहती है, ये चीजें जब आप खोल के पढ़ते हो ना, अच्छा हमारे पास हमारे घर में भी कोई अहदीस की ऐसी किताब है, आपकी सांस काफी फूल रही है, अगर आप किधर रुक के बात करना चाहे तो आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी शायद, हाँ असल में यहाँ सर्दी भी बहुत है, मैं बाहर ही निकली हुई थी, मैंने कहा यहाँ इर्द गिर्द कोई ऐसा थोड़ा पार्क वगैरह ना, तो मैंने कहा यहाँ इतने लोग नहीं है इसलिए मैं यहाँ आ गई, अच्छा हाँ तो इसका हिजाब की मैं बात कर रही थी, तो हमारे यहाँ कोई अहदीस की किताबें तो होती नहीं, ज्यादातर घरों में कुरान वगैरह होता है ये सब, कोई स्कॉलर भी जो हमारे बैठे होते हैं टीवी पे या कभी मौलाने आप किसी उसमें चले भी जाओ जुम्मे के खुतबे कभी नहीं बताएंगे खुल के बात ना, लेकिन असल बात तो ये कि आप जिनसे उनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो वो लौंडियां थी और वो लौंडियां जिनको आपने जबरदस्ती नंगा रखा हुआ है, तो क्या भाई उन औरतों की चॉइस नहीं थी क्या, मतलब ये इस तरह की मतलब ये लोग बातें करते हैं,
ठीक है, और अच्छा अगर चॉइस, और फिर आप कहते हैं कि भाई हमने पर्दे का हुक्म दिया, तो पर्दे की हुक्म मतलब इसमें तो मैं तो कहती हूँ भाई ना हिजाब करना औरत की चॉइस थी, और ना जो इन्होंने लौंडियों के साथ मचाया हुआ था वो औरत की चॉइस थी, इसमें चॉइस की तो बात ही नहीं थी, इन्होंने सिर्फ अपनी आसानी ढूंढी कि भाई ठीक है हम एक पर्दा मुतारफ करा देते हैं कि हमें आसानी होगी कि जो अपनी औरतें जिनको हमें छेड़ना नहीं है, जिनके हमने जो है वो क्या कहते हैं बोलियां नहीं लगानी बाजारों में, उनको हम अलहदा कर देंगे और बाकियों को तो हम छेड़ेंगे जो मर्जी करेंगे। बकायदा पूरी पूरी हदीस मौजूद है कि किस तरह से उनका मुआयना करते थे, किस तरह से उनका जो है वो खरीदारों को मतलब डीलर्स को बिठाते थे, ये सारी चीजें। तो मतलब मैंने कहा बहुत जरूरत है इन चीजों को खोलने की, आम लोगों को ये सारी बातें नहीं पता होती। तो मैंने खैर अभी इस पे काम शुरू किया है, तो मैंने भी कितने साल हो गए आपको इस्लाम पढ़े हुए? मुझे अच्छा मैं आपको बताती हूँ, मुझे 2019 से जो है ना मुझे एक तरह से हो गया था कि मुझे इस्लाम छोड़ देना चाहिए, फिर बीच में ये हो गया कि घर वालों ने मेरा वो निकाह वगैरह का सीन हो गया था, तो बीच में मेरी शादी हुई, फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा और मुताला करके देखते हैं मे बी कि इस्लाम में सच्चाई है, लेकिन फिर उसके बाद तो मेरा बिल्कुल ही उठ गया था। मैंने कहा नहीं यार ये जो है ना, क्योंकि ऐसी बात है मैं उस टाइम पे बहुत डिस्टर्बिंग टाइम से गुजर रही थी, और तो फिर मैंने ज्यादा इस चीज का और ज्यादा मैंने इस पे पढ़ना शुरू किया और फोकस किया और क्रिटिसिज्म को सुना, तो मैं उस वक्त बिल्कुल कन्विंस हो गई थी। लाइक आप कहोगे कि 2023 का जो स्टार्ट था उससे मैं बिल्कुल हो गई थी, मतलब इस्लाम से बिल्कुल अलग मुझे हो गया था कि नहीं इसको तो मैंने बिल्कुल मानना नहीं है, कुछ भी हो जाए, अब कोई भी पहाड़ टूट जाए ये नहीं सोचना कि आजमाइश हुई है, बिकॉज ये सारी बातें होती हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि भाई जो कन्विंस है आप अभी इस्लाम से बाहर, जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने ये चीज बिल्कुल पब्लिक कर दी है कि मैं मुल्हिद हूँ और मैं तो खुल के शायद वीडियो जी जी बिल्कुल, लोग यही बात है ना कि पर्दे डाले हुए होते हैं इन्होंने, जैसे जो मारिया जो थी सेक्स स्लेव्स उनका जो वाकया है, उनसे जो उनकी नाजायज औलाद, सब चीजों पे इन्होंने पर्दा डाले होते हैं, और मेरी तो कोशिश यही है कि इस पे से ही पर्दा उठाया जाए। अब तो खैर मेरे साथ वो मसला नहीं है, मैं पाकिस्तान में थी तो जाहिर सी बात है मुझे डर था, आजकल तो वैसे ही वहां गुस्ताखी पे पता है आपको हर दूसरे दिन किसी को जिंदा जला रहे हैं, किसी को सिर्फ शुबे पे, मतलब आपको पता भी नहीं है किसी ने, और मेरे ख्याल से ये कोई इतनी बड़ी बात होनी भी नहीं चाहिए अगर कोई आप गुस्ताखी, क्या आप हर रोज गुस्ताखी नहीं करते? मैंने अपनी पहले भी एक बार पोस्ट डाली थी, अच्छा इतना मुसलमानों का एक बड़ा मसला ये है हर रोज ये पोस्ट डालेंगे फलस्तीन पे, फलस्तीन में ये हो गया आज इतने बच्चे मर गए, उतने कभी मैंने मेरी अपने जो लोग हैं मेरे साथ के मतलब जो पढ़े लिखे हैं जो डॉक्टर्स हैं कभी मैंने किसी को नहीं देखा ये पोस्ट डालते हुए कि भाई ब्लास्फेमी में ये गलत हो रहा है, इनको खुद भी पता है ये डालेंगे तो इनपे भी जो है वो टारगेट, इनको भी टारगेट किया जा सकता है, इनपे भी लोग शक जाहिर करेंगे भाई इनको क्यों हम दर्दी गुस्ताख के साथ, इनको पता है कि इनका जो मजहब है वो पुरामन नहीं है, अगर पुरामन होता तो ये इस चीज को भी बड़े आराम से पॉइंट आउट करते, ये नहीं करते, इनको पता होता है, फिर कहते हैं नहीं हमारा आर रिलीजन इज पीसफुल, ठीक है अच्छा, तो बिल्कुल इस पे ये लोग बिल्कुल बात नहीं करते, पढ़े लिखे लोग भी इनके जो बजाहिर मतलब मुसलमान है जो मॉडरेट भी है बहुत उस तरह के एक्सट्रीमिस्ट नहीं है वो इस पे बात नहीं करते, लेकिन मैं तो भाई हैरान हूँ, मुझे तो लगता है कि इस वक्त अगर पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा खतरा है जो अगर पाकिस्तान को ले डूबेगा तो वो यही मजहबी इंतहा पसंदी है, कभी भी कोई सिविल वॉर हो गई कुछ हो गई तो ये मुल्लाओं ने तो छोड़ना नहीं किसी को, और ये अभी एक दूसरे की भी गर्दनें काटेंगे, अभी तो ये आम लोगों के पीछे पड़े ना, अभी उसको भी इन्होंने मुफ्ती तारिक मसूद को भी इन्होंने घेर लिया है, तो ये होगा, और मजे की बात ये कि ये सारे हैं दो नंबर, तो इनका होना ये कि ये एक दूसरे के हसद में ही आके मुकाबले में ही आके एक दूसरे की फॉलोइंग खराब करने के चक्कर में ना ये एक दूसरे पे इल्जाम लगाते फिर और एक दूसरे की गर्दनें काटेंगे, जो मुझे समझ आ रही है, लेकिन कोई इस बारे में नहीं बोलता कि भाई ये क्या दहशतगर्दी है कि आप सिर्फ लोगों को शुबे में, और ये कितना बड़ा खतरा है एक मुल्क जिसमें वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ठीक है आप वहाँ ये शुरू कर दो, यहाँ तो लोग एक दूसरे की जायदाद के पीछे वैसे ही पागल है, ठीक है यहाँ कोई किसी लड़की का रेप करेगा उस पर इल्जाम लगा देगा भाई ये गुस्ताख थी, ठीक है रेप करके चलो भाई जिंदा जला दिया, ठीक है किसी की बहन भाई आपस में जिसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना ये गुस्ताख था, तो ये मतलब मुझे समझ नहीं आती कि लोगों को क्यों चीज नजर नहीं आती, मुसलमानों को ये भी कीड़ा होता है ना कि हमें ये पेश करना है कि हमारे मुसलमान मुल्क बहुत अच्छे हैं और इस्लाम मजहब बहुत पुरमन है, तो वो इस चीज पे जान बूझ के बात नहीं करते पर्दे डालते, तो मैंने इसके बारे में भी मैंने पोस्ट डाली थी, मैंने कहा आपका मजहब पुरमन है ही नहीं और ये गुस्ताखी ये सब तो ये अभी शुरू हुआ है, आप मुझे ये बताएं ना आप इंडिया में हैं ठीक है, इंडिया एक सेकुलर स्टेट है ठीक है लेकिन मेजोरिटी यहाँ हिंदू है और हिंदू को ये बड़ा आजकल कहते हैं इंतहा पसंद ये वगैरह, आप ये सोचे कि डॉक्टर जाकिर नाइक यहाँ कितना अरसा अपनी करते रहे तबलीग,
और उसमें हर तरह के लेक्चर देखते थे, हर तरह के लेक्चर देते थे और मतलब सरकास्टिक रिमार्क भी देते थे भूतों के बारे में, इन चीजों के बारे में। चार चार पांच पांच छह छह लाख की भीड़ जमा के वहां पे हिंदुइज्म को गलत साबित करते बैठता था वो। जी 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 किसी ने मारा नहीं, कोई काटा नहीं। और एक मुझे इस्लामी मुल्क बता दें जहाँ कोई हिंदू का कोई हिंदू पंडित हो, या चलो कोई इनका अपना क्रिश्चियनिटी का कोई पोप हो जो बहुत मशहूर हो गया अपने दीन के बारे में बात करते हुए, कोई भी हो, कोई भी एक आपको ऐसी एग्जाम्पल नहीं मिलेगी। ये मुझे ना असल में जब मैं ब्लास्फेमी के बारे में सोच रही थी तो एकदम मुझे ऐसे ही ख्याल गुजरा, मैंने कहा यार ये अभी तो बात कर रहे हैं इंतहा पसंदी की, लेकिन ये तो उनकी पहले से हरकतें, पहले आपको एक दिखा दो ना कोई इस्लामी मुल्क, आप कहते हो नहीं नहीं हमारा तो बड़ा अच्छा है, हमारा इस्लाम सबके हकूक पूरे होते हैं, हम तो माइनॉरिटी को बड़ा पूछते हैं, तो कोई एक दिखा दो। चलो क्रिश्चियनिटी तो तुम लोगों से करीब है ना, उसका कोई क्यों पोप तुम लोगों के यहाँ मशहूर नहीं होता, क्यों कोई किसी को जाहिर सी बातें कर ही नहीं सकते, आप करोगे यहाँ पे वो आपकी गर्दनें काट देंगे। अब ये मसला ये था ना, मसला ये था कि इनके दरमियान ब्लास्फेमी और गुस्ताखी का मेयार क्या है। अगर इनकी किताबों से हम अगर कोई मसला दिखलाते हैं या कोई बात बतलाते हैं या हदीस रसूल पढ़ते हैं या कुरान की आयतें पढ़कर उसकी तिलावत करके उसका मफहूम बतलाते हैं तो ये उसको गुस्ताखी अगर बतलाते हैं। अगर तारिक मसूद साहब की आपने बात की तो तारिक मसूद साहब ने गलत क्या कहा था, कोई गलत बात नहीं कही, उम्मी इनकी किताबों में लिखा है और वही बात उन्होंने अपनी जुबान में कही तो उसको इन्होंने गुस्ताखी डिक्लेयर कर दी और हजारों तीन चार दिन हुआ उन्होंने ये बात बतलाई थी और उस पर उनके गुस्ताखी का फतवा लग गया और हजारों वीडियोस उनके खिलाफ बन गई। तो मसला ये बनता है कि भाई आपके नजदीक गुस्ताखी का मेयार क्या है, ब्लास्फेमी का मेयार क्या है, वो मेयार तो अपना क्लियर करें ना, क्या आप किताबों हकीकत बता रहे हैं तो वो गुस्ताखी है, तो फाइनल हमको बता दें। किताब आप अपनी किताबों का मुताला करें, अपनी किताबों में पढ़ें, अपनी किताबों को जला दें। बुखारी आपकी क्या है, तो आपके बुखारी में वो चीजें लिखे हैं, तिर्मिजी में लिखे हैं, सियाह सित्ता में वो किताब बातें लिखी हैं। फिर अगर अगर हम कहते हैं ये औरतें खेतियां हैं, ये आपकी किताबों में लिखा है, कुरान में लिखा है, तो आप हमें गुस्ताखी का फतवा देते हैं। अपनी किताब करें, पढ़े तो करें, आपके दरमियान आपके नजदीक ब्लास्फेमी का मियार क्या है, फाइनल तो करें फिर आप। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अभी मैंने भी जो वीडियो डाली तो उसमें मैंने सारे जो हैं अनस इब्ने मालिक सबके मैंने उन्हीं की मैंने रेफरेंसेस डाले, पूरी पूरी इनकी जो इब्ने शैबा सारी जो किताब सब चीजों के मैंने डाले रेफरेंस, और मैंने लिख भी दिया, मैंने डिस्क्लेमर डाल दिया, मैंने कह दिया कोई भी इवेंट इमेजिनरी नहीं है, बनाया हुआ नहीं, आपकी अपनी किताबों से। अब आप क्या बोलोगे, और फिर उसको होगा नहीं हमारे ऐसी तौहीन करती, हमारे इतने बड़े खलीफा हजरत उमर हजरत अली उनके बारे में यही बोल दिया, हम क्या करें भाई अगर वो करते यही थे तो। अब ये और बात है कि तुम लोगों ने खुद खोल के नहीं पढ़ा, हम लोग अगर उसको पढ़ के बयान कर रहे हैं तो हम क्या करें। तो खैर ये है, और इनका बस यही होता है कि इनके बस रिलीजन को जो है बस किसी तरह से बस अच्छा बना के बस हम पेश करें, वो जैसा है तो वो वैसा है, हम क्या करें। अब हम हर चीज के अंधे बहरे गूंगे तो नहीं बन के बैठ सकते जैसा ये लोग सोचते हैं। अच्छा अलीशा जी बहुत अच्छा लगा आप आई और इतना मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा अंदर आप एकदम भर के बैठी थी और आपको मौका मिला तो एक साथ पूरा आपने खाली कर दिया, बहुत अच्छा लगा। और आपको आपकी ब्रेवरी पे सलूट है कि भले से आप जर्मनी में है या कहीं भी है लेकिन आपने हिम्मत बताई कि आप कैमरे के साथ आकर जो है अपनी बात रख रही है। हालांकि आप पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है फिर भी आप में इतनी डेरिंग है तो सलूट है। अरीशा जी के लिए एक एक गुलाब आप लोग जरूर भेजे। और अमित साहब जरा आपके चैनल का लिंक जो है तो हम लोग अभी शेयर भी कर देते हैं, आप इंटरेस्टेड है इस एक्टिविज्म में, लोगों को इस्लाम की हकीकत बताना चाहती है तो हम आपका चैनल भी शेयर कर देंगे। और जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं आपने अरीशा जी की बात को भी सुनी, लेट्स गिव हर अ पुश, एक एक जो है वो पुश देना जरूरी है चैनल को। तो ये हमारे क्या नाम है इनका अश्विनी भाई ने भी शेयर किया था, एक तो कमेंट इतना तेजी से जा रहा है, ये देखिए अरे भाई कहाँ है, हाँ देव भाई ने भी शेयर किया हुआ है और बाकी लोग जो गुलाब भेज रहे हैं आप सभी लोगों का भी शुक्रिया। इनके चैनल को एक पुश देते हैं भाई लोग एंड लेट हर डू दी वर्क, एटलीस्ट एक स्टार्ट उनको देते हैं। और उनका अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो
आप और भी लोगों के साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। फिलहाल चूंकि वो हमारे चैनल पे आई है और आप सभी लोगों को मालूम है कि जो भी हमारे चैनल पे आता है हम खाली हाथ नहीं भेजते उनको, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक पुश दे इनके चैनल को। अमित साहब आपको इनका चैनल मिला तो यहाँ पे अपने आईडी से भी यहाँ पे शेयर कर दो। दिखा नहीं मेरे को। अरिशा जी वैसे कल आप मदिया जी के चैनल पे थे ना? जी 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 जी। हाँ मैंने देखा था आपका वो थंबनेल, तो देखा था, वीडियो नहीं देख पाया था। तो आपका चैनल का लिंक आप यहाँ प्राइवेट में दे देंगे? जी जी मैं ये आपको फैन ऑफ एडम सीकर भी और अपने बैड गर्ल सारे लोग शेयर कर रहे हैं। देखो यहाँ से उठा लो यार। अच्छा मुझे लगता है कि साहिल लाला जी काफी देर से खामोश है, कुछ बोलना चाहते हैं। और लाला जी कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं सर, मैंने क्या कहना, वो सारा कुछ खुद कह गई हैं इतना जबरदस्त, तो इसमें अब मैं, मेरा नहीं ख्याल कि आई कैन ऐड एनीथिंग ओवर हियर। तो बहरहाल काम करते रहें, मैं ये तो दुआएं हैं सिर्फ सब साथ इनके, तो कीप अप द गुड वर्क, दैट्स ऑल व्हाट आई वुड से एट दिस मोमेंट। जी जी, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आती रहूं ना लाइव आपके चैनल में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पहले मैं सिर्फ वहां से सुना करती थी पाकिस्तान से, उसमें भी सब कुछ वीडियोस आती थी हमारे पास, बाद में तो चैनल ही फिर उन्होंने शायद बैन कर दिया। जी ये इनका चैनल है। जी जी यही वाला, यही। अच्छा तो अभी तो 475 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं भाई लोग, जरा एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर जो है अभी का भी कंप्लीट कर लो। और बल्कि अभी हमें 10,300 लोग देख रहे हैं, तो 2,000-3,000 जितना भी हो सकता है अभी का भी इनके सब्सक्राइबर बढ़ा दो। फिर उसका कंटेंट देखिए आप जिस तरीके से वो काम कर रही हैं, और अगर अच्छा लगे इनका कंटेंट तो और भी, क्योंकि कैसा है ना अरिशा जी, हमारा काम है एक पुश देना, ठीक है, मतलब हम हाँ, अब उसके बाद आप किस तरीके का कंटेंट बना रही है, कितना इंटरेस्टिंग है, कितना आप लोगों को रिटेन कर सकती है, वो आपकी सलाहियत पे डिपेंड करता है, फिर हम पे डिपेंड नहीं करता है, है ना। तो इसी वजह से मैं पहले ये बात कह देता हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है कि कुछ लोग जो बाद में बुरा मान जाते हैं, अगर चैनल नहीं चला उनका, व्यूज नहीं आया, तो वो ठिकरा हम पे फोड़ देते हैं बाद में। तो इसी वजह से मैं पहले ही ये चीज बोल देता हूँ कि भाई हम रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से, वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे मेरी बात सुन के, लेकिन आगे आपके चैनल को आगे बढ़ाना ये आपकी अपनी क्या कहते हैं उसको मेहनत होगी, आपकी सलाहियत होगी। तो यार एटलीस्ट जो है 1000 सब्सक्राइबर जो है इनके पूरे कर दो। और हकू कल आप जब इसका क्या कहते हैं उसको टाइम स्टैम्प आप जब डालोगी तो उसमें अरिशा जी का चैनल भी उसमें मेंशन कर देना टाइम स्टैम्प में, ताकि जो लोग टाइम स्टैम्प चेक करेंगे तो वो उनको लिंक भी मिल जाएगा। और अमित साहब आप डिस्क्रिप्शन में भी इनके चैनल का लिंक डाल देना, ताकि कोई डिस्क्रिप्शन के थ्रू जाना चाहता हूँ तो वो भी चले। थैंक यू सो मच अरिशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी ठीक है, चलो मैं फिर दोबारा ज्वाइन करूंगी। देखो 1K हो गया क्या? हाँ मैं रिफ्रेश मारूं। हाँ एक मिनट अरिशा जी, 852 150 भाई लोग 150 करो, ताकि इनको यहाँ से नजराना हम 1000 का देके भेजे। 150 लोग प्लीज भाई की बात पे, 150 लोग अभी अगर कर देते हैं तो इनको जो है हम अलविदा यहाँ से अभी आज की स्ट्रीम से 1000 सब्सक्राइबर के नजराने के साथ भेजेंगे, ताकि ये भी याद रखे कि यार साहिल के चैनल पे गई थी मैं, ठीक है। यहाँ 1K हो गया बोल रहे लोग। 928 मैं आती रहूंगी, मेरा तो पूरा इरादा है। अरे अभी हम आपको 1000 का नजराना देके भेजेंगे, एक दो मिनट रुक जाएगा भाई लोग, कर दो यार, कर दो मोमिनों से डिस्कशन भी करने का है, जल्दी करो, फिर नेक्स्ट मोमिन से डिस्कशन करना है, धारदार दांत वाला मोमिन है। 970 30 बचे, 30 बचा है भाई लोग, 30 किसमें है दम, 30 का दम। साहिल भाई ऐसा नहीं होता है कि जब मस्जिद में वो क्या होता है ना कि चंदा वगैरह आता है तो बहुत सारे लोग अपना कोई लोटा दे देता है, कोई सामान दे देता है, तो फिर बाद में ना उसकी नीलामी होती है, 70 एक भाई मैंने बोल दिया 80 200 पीछे वाले भाई ने बोला 200 अरे वाह भाई की 1100 वो जाते जाते 10,000 का एक लोटा बिक जाता है, ठीक हो गया। अरिशा जी ये हमारा नजराना है आपके चैनल के लिए,
और खूब मेहनत करे, खूब आगे बढ़े, अच्छा अच्छा कंटेंट बनाए, यही हमारी उम्मीद है। मेरा तो इरादा है कि खुल के मैं जरा इसकी वीडियो, और इसका इलाज यही है, जितना इन्होंने ब्लास्फेमी पे दंगा मचाया हुआ ना पाकिस्तान में, मैं तो कहती हूँ हर जो पाकिस्तानी मुल्हे थे उसको आना चाहिए सामने और आके इनकी पोलें खोले कि भाई तुम लोग कितना लोगों को चुप कराओगे यहाँ, नहीं तो बाहर जाके तुम करेंगे। अरे बिल्कुल, लेकिन बी सेफ, क्योंकि आप चेहरे के साथ अपना एक्टिविज्म कर रही है, तो बी वेरी सेफ और काम करते रहिए। थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम हियर। यार आज तो एकदम मजा आ गया, यानी दिल खुश हो गया कि स्टार्टिंग के जो हमारे भाई आए थे उन्होंने भी बड़ी जबरदस्त बातें की, और अभी हरी बाजी जो आई है उन्होंने भी मस्त अपनी बातें रखी है।